नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांफना आपके साथ। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने आज सुबह सुबह ट्वीट कर तहलका मचा दिया। उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए इस बात का ऐलान किया कि वो एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं और इसकी शुरुआत वो बिहार से करने वाले हैं। ऐसे में बिहार की सियासत एक बार फिर से तेज होती हुई नजर आ रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार किसके साथ प्रशांत किशोर राजनीति में नई पारी खेलने जा रहे हैं, आखिर किस पार्टी के साथ उनका अलायंस हो सकता है, क्या कुछ उन्होंने सोच समझ कर रखा है। आने वाले 5 मई को प्रशांत किशोर के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी बातों की जानकारी भी दी जाएगी। प्रशांत किशोर का नाम देश भर में हर कोई जानता है, चुनावी रणनीतिकार है वो, इतने बड़े कांग्रेस के साथ काम कर चुके हैं, टीएमसी के साथ भी उन्होंने काम किया है, बिहार में जदयू के साथ भी वो काम कर चुके हैं और ऐसा माना जाता है कि जिस पार्टी के लिए वो काम करते हैं उस पार्टी की सूरत और दशा दोनों बदल जाती है। लेकिन आज हम बात करेंगे प्रशांत किशोर की जिंदगी के बारे में, आखिरकार वो राजनीति में अचानक से कैसे आ गए। पहले उनके पास यूएन की जॉब थी, अच्छी खासी पढ़ाई कर उन्होंने यूएन में जॉब ली, लेकिन अचानक से उनका जो रुख है वो राजनीति के तरफ बदल गया। दरअसल आज प्रशांत किशोर ने सुबह 9 बजे 2 लाइन के ट्वीट में जन स्वराज नाम से नई पार्टी बनाने की घोषणा क्या की वो ट्रेंड होने लगे। अगले 5 घंटों में उनके इस ट्वीट को 19,000 लाइक्स मिले तो 3,000 से ज्यादा बार इसे रीट्वीट किया गया। कमेंट करने वालों की लाइन लग गई। उनके ट्विटर प्रोफाइल पर उन्होंने अपना परिचय गांधी का सिपाही, परंपरा विरोधी, समतावादी, मानवतावादी और जनता की आकांक्षाओं पर विश्वास करने वाले शख्स के तौर पर दिया है। ट्विटर पर वो केवल 85 लोगों को फॉलो करते हैं, उसमें राष्ट्रीय स्तर का कोई नेता नहीं है। इसमें केवल 3 नाम है, स्टालिन, कैप्टन अमरेंद्र सिंह और असाउद्दीन ओवैसी। ओवैसी का नाम कुछ चकित भी करता है। जिन लोगों को वो फॉलो करते हैं उसमें ज्यादातर पत्रकार और सियासी दलों के प्रवक्ता है। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने कांग्रेस के नियोते को ठुकराया और इसके चंद दिनों बाद जन स्वराज के नाम से सियासी पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। हालांकि उनकी ये पार्टी पहला चुनाव बिहार से लड़ेगी। ऐसा लगता है कि नीतीश के हाथों 2019 में मिले उस दंश का पर हिसाब बराबर करेंगे जो जदयू ने उन्हें तब पार्टी से निकाल कर दिया था। वैसे भी बिहार उनका अपना राज्य है, यहाँ की जमीन को वो ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं और प्रयोग भी कर चुके हैं। हालांकि बिहार बहुत मुश्किल राज्य भी है, जहां चुनावी सियासत जाति से लेकर जाति के निचले पायदान तक की जाती है और कई खाचों पर बटी हुई है। ये राज्य वाकई इतना आसान नहीं है, लेकिन पीके ने अपनी सियासी पारी को यहीं से बढ़ाने का फैसला किया है। वैसे बिहार ऐसा राज्य भी है जहां आजादी के बाद 7 दशकों में कई पार्टियां बनी और गायब हो गई। पीके नाम से ज्यादा शोहरत हासिल करने वाले प्रशांत के आईपैक का हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। इस शहर से उनके रिश्ते बहुत प्रगाढ़ है। हालांकि आईपैक में उनकी टीम में जो दिग्गज लोग हैं वो उन्हें मिलते गए और जुड़ते गए। कहा जाता है कि हैदराबाद उनकी कर्मस्थली है, यहाँ काम करते हुए उनकी उस महिला से मुलाकात हुई जो डॉक्टर थी और बाद में उनकी पत्नी बनी। कहा यह भी जाता है कि हैदराबाद से उन्होंने इंजीनियरिंग की है, इसीलिए उनका इस शहर से इतना जुड़ाव है। वैसे हकीकत तो यह है कि इन्होंने इंजीनियरिंग तो कभी की ही नहीं, लेकिन देश के आला IIT बिट्स पिलानी से लेकर दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बैचलर उनके दीवाने हैं, उनके साथ काम करते हैं। पीके की कंपनी देश के बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस में प्लेसमेंट कैंप भी लगाती है। उनकी कहानी और देश के दिग्गज चुनावी रणनीतिकार बनने की कहानी भी बहुत रोचक है। उनकी जन्मतिथि क्या है ये कहीं किसी को पता नहीं चल पाता, बस ये मालूम है कि सासाराम के गाँव में खाते पीते ब्राह्मण परिवार में उनका 1976-77 में जन्म हुआ। पिता बिहार सरकार में डॉक्टर थे। शुरुआती पढ़ाई बक्सर में हुई, इंटर तक वो बहुत तेज पढ़ाकू बच्चों में थे, मैथ में बहुत शार्प, चाहते तो निश्चित तौर पर IIT में सेलेक्ट हो सकते थे। पिता चाहते भी थे कि वो या तो डॉक्टर बने या फिर इंजीनियर, लेकिन वो दोनों नहीं बनना चाहते थे। वो क्या बनना चाहते थे शायद उन दिनों उन्हें खुद साफ नहीं था। पहले वो दिल्ली के हिंदू कॉलेज में पढ़ने गए, फिर वापस घर लौट आए, 2 साल पूरा ब्रेक लिया। किसी ने जब उनसे पिछले दिनों इंटरव्यू में पूछा कि वो ब्रेक में क्या करते थे तो जवाब आया कि वही जो उस उम्र में युवा नहीं करते। हालांकि ये वो दिन थे जब पिता उनसे खिन्न रहे होंगे, उन्हें लगा होगा ये लड़का अपना करियर बर्बाद करने पर लगा हुआ है। ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने पब्लिक हेल्थ में पढ़ाई की, इसमें भी बीच में 1 साल का ब्रेक लिया, यानी इंटर के बाद PG के बीच 3 साल का ब्रेक। उसके बाद उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में अच्छी जॉब की। एक सर्वे के दौरान उन्हें
नरेंद्र मोदी से मिलाया गया और जिंदगी वहीं से उनकी बदल गई। एक दौर तब ये भी आया कि उनके लिए मुश्किल थी कि नौकरी छोड़े या फिर ना छोड़े। उनका मन राजनीति के तरफ बढ़ता ही चला जा रहा था और समस्या एक के बाद एक उनके सामने आती जा रही थी। लेकिन फिर धीरे धीरे करते हुए वो नरेंद्र मोदी के टीम के विश्वसनीय होते गए और वर्ष 2012 के गुजरात विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। इसके बाद सफलता का ग्राफ ऊपर ही चढ़ता गया और वो उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जदयू को चुनाव लड़ने से लेकर ममता को भी उन्होंने चुनाव लड़वाया। इन दोनों पार्टियों का उन्होंने साथ भी दिया। प्रशांत किशोर को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है और अब ये चुनावी रणनीतिकार बिहार से अपनी नई पार्टी की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये खबर सुनते ही देश भर में तहलका मच गया। बिहार में जो है वो सियासत एक बार और तेज होती हुई नजर आई। सबके मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार प्रशांत किशोर की आगे रणनीति क्या है, क्या वो जदयू के खिलाफ जाएंगे, किस पार्टी के साथ उनका अलायंस होगा। ये सब कुछ 5 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर के द्वारा बताया जाएगा। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। अन्य कई खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन में। नमस्कार।